तो गाइस यार लास्ट वाले गेम प्ले में आप लोगों ने देखा था यार मैं चेंज हो गया था टीवी मैन के अंदर और गाइस यार आखिरकार मैंने सिंचैन को पकड़ लिया था उसकी पिटाई लगाकर और भाई यार उसके बाद हमने बलिदान दिया अपने कैमरामैन का जिससे यार एक खतरनाक वाला कैमरा आ गया उससे भाई अपने सिंचैन को हमने फिर से नॉर्मल कर दिया। पर यार वहां पर हम जब फिर से गए थे लड़ाई करने स्क्यूबिटी टॉयलेट से वहां पर भाई बड़ा वाला स्क्यूबिटी टॉयलेट आ गया और भाई वो सिंचैन को किडनैप करके फिर से ले गया। इस बार मैं जाने नहीं दूंगा अपने सिंचैन को इसलिए मैं भी अपग्रेड हो चुका हूँ एक बड़े खतरनाक कैमरामैन के अंदर। तो गाइस यार देखो मैं कितना ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उस बड़े वाले स्क्यूबिटी टॉयलेट को और अपने सिंचैन भाई को वापस लेके आऊंगा। कहाँ पर स्क्यूबिटी टॉयलेट बाहर निकल ये रहा भूतनी का बच्चा ये ले। ओ, तुमने मेरे पीछे से वार किया। मैंने पीछे से नहीं तेरे सामने से वार किया। गाइस यार देख रहे हो गाड़ियां तो मेरे लिए खिलौने भर की है अब इसको बताता हूँ इसकी ऐसी तैसी ये ले मेरा सिंचैन भाई कहाँ पर है मेरे सिंचैन भाई को मुझे वापस दे। अब बताता हूँ इसको उठा के फेंक के मारूंगा यार इतनी तेज फेंक के मारूंगा कि तेरा सारा पानी निकल जाएगा बाहर फ्लैश हो जाएगा तू ये ले। ओ गाइस ये कहाँ गया। अबे यार मैंने इसको फेंका और पता नहीं वो कहाँ पर गायब हो गया। अरे डर के भग गया क्या। अबे कहाँ चला गया डरपोक बाहर निकल स्क्यूबिटी टॉयलेट मेरे सिंचैन भाई को मुझे वापस कर डर के भग गया यार ये तो भूतनी का कहाँ गया बाहर निकल। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा। फिर कहाँ गया था। अब मैं तेरे को बताता हूँ मेरी ताकत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है मैं कह रहा हूँ आराम से सिंचैन को दे दे वरना मैं तुझे यही मार डालूंगा और तेरे को कोई मौका भी नहीं दूंगा जीने का। अरे ये क्या कर दिया। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मर जाऊंगा मैं ये लो। क्या ओए ये क्या भाई साहब इतने सारे स्क्यूबिटी टॉयलेट्स आ गए इतने बड़े वाले ये क्या है भाई चक्कर ये कैसे हो रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगा मैं अकेला हूँ मेरे जैसे इतने सारे हैं और अब बोल क्या बोल रहा था मुझे मारने की बात कर रहा था अब बोल। अरे भाई साहब नहीं नहीं मैं किसी को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ प्लीज मेरे को छोड़ दो मुझे जाने दो गाइस यार मैं तो फंस गया यहाँ पर अभी बताता हूँ ये ले। ओ भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल सेमी बचाओ मेरे को कोई तो मार डालो इसको इस बार इसको जिंदा मत छोड़ना कोई मौका नहीं बचना चाहिए इसका जिंदा रहने का। ठीक है मैं इसको मार डालूंगा ये ले अब बात बचेगा नहीं तू अब बोल क्या बोल रहा था तू। अरे गाइस यार ये तो बहुत बुरी तरह धुलाई लगा रहे मैं मरने की एक्टिंग करता हूँ जिससे यार मेरे को छोड़ भी दे एक वक्त के लिए ये। और भाई यार ये इनकी लेजर तो सेमी बहुत ज्यादा पावरफुल है मेरे आहार पार जा रही है यार। हाँ अब बोलो मुझे मारना चाहते थे ये लो मेरा फाइनल शॉट खत्म हो गया आखिरकार हमने अपने आखिरी दुश्मन को भी मार डाला अब कोई नहीं हमें रोकने वाला चलो इस पूरी लॉस सैंटोस को टॉयलेट के अंदर चेंज कर देते हैं चलो साथियों। ओह गाइस यार इन लोगों ने मुझे सेमी बहुत ज्यादा बुरा मारा वो तो सोचो एक स्क्यूबिटी टॉयलेट मेरे ऊपर हमला कर रहा था अगर ये सारे मिलके करते तो मेरा क्या हाल होता भाई वो तो भगवान की दुआ से तुम्हारा भाई बार बार बच गया। सही है यार मैंने मरने की एक्टिंग की ना कि उन लोगों से फाइट बैक किया अगर मैं इन लोगों से फाइट बैक करता ना तो तुम्हारे भाई का नामो निशान नहीं बचता बार बार बचा यार। तो गाइस यार मुझे एक चीज समझ में आ चुकी है मैं ऐसे अंधाधुंध उनके ऊपर हमला बिल्कुल नहीं कर सकता मुझे नहीं पता उनकी कितनी पावर है और कितनी बड़ी फौज है देख रही एक बार कितने सारे स्क्यूबिटी टॉयलेट गए मतलब उनको ऐसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है यार मुझे जाकर टीवी मैन से बात करनी होगी और सिंचैन को बचाना होगा किसी और तरीके से। अरे टीवी मैन ओए लोंडे क्या हो गया क्यों चिल्ला रहा है अरे गजब हो गया ओए जीत गए क्या हम लोग। अरे जीते नहीं है असल में वहां पर इतने सारे स्क्यूबिटी टॉयलेट्स आ गए थे बड़े वाले उन्होंने मेरी बहुत बुरी वाली बैंड बचाई वो तो भगवान की दुआ से मैं बार बार बच के जिंदा यहाँ पर आ चुका हूँ वरना वो लोग मुझे मार डालते। ओए मुंडे क्या कह रहा है मतलब वहां पर और भी बड़े वाले स्क्यूबिटी टॉयलेट्स हैं। हाँ वहां पर और भी सारे बड़े बड़े स्क्यूबिटी टॉयलेट्स हैं और उसने बोला कि उसके पास पूरी फौज है उसको हम लोग ऐसे नहीं हरा सकते तुम्हें मुझे और भी ज्यादा अपग्रेड करना होगा मुझे और भी ज्यादा शक्तियां चाहिए। ओए मुंडे कोई ना कोई तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें रुक जा दिमाग लगाने दे। ओए पुत्र एक आइडिया आया कैसा आइडिया। ओए पुत्र मेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं नहीं जो तेरे को अपग्रेड कर दूं पर एक तरीका है। क्या तरीका है जल्दी बताओ चक्कर काट रहा हूं आपके आसपास। ओए एक काम कर जाके जल्दी सी 3 स्क्यूबिटी टॉयलेट्स को पकड़ के लिया। क्या अब उनको अपना अड्डा क्यों बताना है। ओए मार कर लाइयो साड़ों को कदे जिंदा लेके आ जाए। ठीक है 3 लाने ना। हाँ मुंडे 3 पकड़ कर लाइयो एकदम हट्टे कट्टे मुस्टंडे।
ठीक है ओए चल जा पुत्र। ओके तो चलो गाइस यार जाके मैं 3 स्किप टॉयलेट्स को पकड़ के लाता हूँ। गाइस यार देखो वोरी पूरी पूरी गैंग है यार सामने टॉयलेट मॉन्स्टर की, इनको मेरे को पकड़ना पड़ेगा। पर गाइस यार इनके ऊपर मैं ऐसे हमला नहीं कर सकता, अगर यार किसी ने भी बता दिया ना मतलब आगे जानकारी पहुंचा दी कि मैंने इनके ऊपर हमला किया तो उनको पता लग जाएगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और गाइस यार मैं नहीं चाहता कि फिर से वो स्किप टॉयलेट्स आ जाए इतने बड़े वाले और मेरी बैंड बजा दे। यार इनमें से कोई एक तो अलग हो जिसको मैं हरा सकूं। और एक सेकंड गाइस यार ये वाली फॉर्म मेरी बहुत ज्यादा कमजोर है, ये वाली फॉर्म मेरी ज्यादा ताकतवर है। उई एक सेकंड गाइस यार देख रहे हो एक टॉयलेट जा रहा है यहाँ से, प्लीज यार ये अकेला ही जाए, अगर ये अकेला जाएगा तो मैं इसको हरा सकता हूँ। और तुम्हारे भाई के पास अभी 3 रूप है, एक तो सीसीटीवी वाला और एक टीवी मैन वाला और एक बड़ा सीसीटीवी वाला। वो गाइस यार देखो मेरे को लगता है ये उस गली के अंदर जाने वाला है, यही मौका है मेरे पास इसको पकड़ने का। ओके चुपचाप जाता हूँ इसके पीछे से, बस कोई देख ना ले मेरे को। ओके ओके तो गाइस यार मैं आ गया, ये अंदर जाए जा रहा है, यही मौका है मेरे पास इससे पहले ये वापस जाए। ओ गाइस यार असल में ये उस इंसान के पीछे जा रहा है, ये ले। ओ गाइस यार देख रहे हो सही वक्त के ऊपर मैंने इसको जमा दिया और कोई भी देख भी नहीं रहा मेरे को। ओहो तो गाइस यार मैंने तो यार यहाँ पर हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, पहला एस्केप टॉयलेट हमने पकड़ लिया। चल बेटे चल मेरे साथ। ओके तो यार हमें पहला मिल चुका है, चलो अब और ढूंढने चलते। अभी मेरे को 2 और ढूंढने और उसके बाद देखते क्या होने वाला है। मैं मेरे सिंचन भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, उसके लिए चाहे मेरे को अब इनकी बैंड क्यों ना बजानी पड़े। वो गाइस यार देखो वहां पर वो रहे और स्क्रीप टॉयलेट, मेरे को लगता है ये अपनी गैंग से मिलने जा रहा है अंडरग्राउंड। यार अंडरग्राउंड इनकी बहुत बड़ी फौज है, ये जैसे नीचे जाएगा इसके पीछे से मैं चुपचाप जाके इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। ओ गाइस यार ये तो भाग रहा है यहाँ से, इसकी ऐसी तैसी। ओ भाई यार बार बार इसको फ्रीज कर दिया, सही वक्त पे फ्रीज कर दिया, अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता ना तो ये जाके बता देता यार कि मैं यहाँ पर इसको पकड़ने आया था। अब बोल कहाँ भगेगा। तो चलो गाइस यार एक और इसके ब्रिटो टॉयलेट हमने पकड़ लिया, अभी बताता हूँ इसको, ये ले। एक एक गुच में तोड़ डाला इसको। तो गाइस यहाँ पर मैंने पकड़ लिया 2 इसके ब्रिटो टॉयलेट्स, अब ढूंढते तीसरा, लेट्स गो। ये सबसे ज्यादा हार्ड होने वाला है, मेरे को कोई और स्किप टॉयलेट नहीं मिला। तो गाइस यार एक ही तरीका है स्किप टॉयलेट को बुलाने का, मैं सबसे पहले हमला करने वाला हूँ इस बड़े वाले के ऊपर। देखो यार ये कितना ज्यादा बड़ा है, सबसे पहले तो यार मैं इसके फ्लैश बटन पे एक गोली मार देता हूँ जिससे यार इसकी पावर कम हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसके एक फ्लैश बटन पे गोली मार दी है जिससे इसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, अब इसको मैं अपनी पावर से लिफ्ट करता हूँ। ओके बेटे हो जा शुरू, ये ले। तो गाइस यार मैंने उसको उठा लिया। ओए तू अभी भी जिंदा है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बेटे मैं तेरे को छोड़ूंगा जब ही तो गाइस यार इसको तो मैं लेके नहीं जा सकता पर इसकी मैं बैंड जरूर बचा सकता हूँ, ये ले। गाइस यार देख रहे हो मेरी शक्तियां के इसके ऊपर कोई उपयोग नहीं है, मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूँ पर ये बिल्कुल भी फ्रीज नहीं हो रहा है। पर गाइस यार मैं इसको बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता हूँ जिससे ये कोमा के अंदर चला जाएगा, मरेगा तो नहीं पर कोमा के अंदर चला जाएगा और ये किसी को बता भी नहीं पाएगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये ले। इसको जमा डालूंगा मैं, अभी बताता हूँ साले तेरी ऐसे से तूने सिंचन को पकड़ाना। हमारे बॉस के ऊपर हमला। ओ गाइस यार जैसा मैंने सोचा था ये आगे एक्सक्यूब टॉयलेट कहां जा रही है, ले। ओ गाइस यार फाइनली एक और मिल गया मेरे को यहां पर, जल्दी से इसको उठाता हूं, आ जा बेटे। तो गाइस यार मैंने इसको उठा लिया है, यहां से 3 एक्सक्यूब टॉयलेट हो गए और सबसे पहले मैं इसकी बैंड बजा देता हूं जिससे ये कोमा के अंदर से बाहर ही नहीं आए। तो गाइस यार मैंने इसको सही में बहुत ज्यादा तगड़ा वाला डैमेज पहुंचाया जिससे ये कभी भी कोमा में से बाहर नहीं आएगा। अब लेट्स गो गाइस चलते अपने बेस के ऊपर वापस। टीवी मैन देखो मैं वापस आ चुका हूं और फाइनली जो तुमने मुझे टास्क दिया था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने यहाँ पर 3 स्किप टॉयलेट्स को पकड़ लिया है, लो ये रे तुम्हारे सामने। ओए लोंडे खतरनाक है तू तो। अबे मैं तो हुई खतरनाक। ओए लोंडे क्या देख रहा है, हो जा शुरू, अब मुझे क्या करना है इनके साथ। ओए लोंडे हमें इसकी बुरी शक्तियों को निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे? ओए कैमरामैन ने अपना बलिदान दिया है उसके लिए ही तो। ओए लोंडे चल जा उस कैमरा का इस्तेमाल कर और भाई इनकी शक्तियां काट ले बाहर ने। ठीक है जैसा तुम कह रहे हो। ओए जल्दी जाब के टाइम खाएगा मेरा सारा का सारा। अरे एक क्वेश्चन मेरा ये था, आखिर ये बेस है कहाँ पर, कहीं कल को इसकी टॉयलेट ढूंढ लेते हमें। ओए ये जमीन के नीचे है बहुत ज्यादा, कोई नहीं ढूंढ सकता हमको। गाइस यार इसका मतलब हम बिल्कुल सुरक्षित है, अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं, जल्दी से यार जो हमारे कैमरा मैन ने बलिदान दे के मुझे कैमरा दिया था अब वो यूज करने का टाइम आ चुका है यहाँ पर। 1 2 3 बूम। ओ गाइस यार ये क्या हुआ? ओए देख रहे हो यार ये असल में 3 इंसान थे जिनको स्किप टॉयलेट्स के अंदर चेंज कर दिया गया था और अब ये देखो नॉर्मल हो गए। ओए लोंडे शाबाश, खतरनाक कति जुल्मी है तू तो, तूने फाइनली काम कर दिया। अरे वो तो ठीक है पर इसका यूज क्या था? ओए लोंडे तुझे एक और चीज लानी पड़ेगी अभी। अब मुझे क्या लेके आना है? ओए तेरे को 90s के 3 टीवी लेके आने हैं।
टीवीज लेके आने हैं? ओए हाँ, जैसे मेरी बॉडी के ऊपर है। ओके तो गाइस यार, चाह क्या मुझे टीवी ढूंढ के लाने कहीं से? हो तो गाइस यार, अभी तुम्हारा भाई आ चुका है जंक यार्ड के अंदर, क्योंकि यार 90s के जमाने के टीवी कहीं तुम्हें शोरूम के अंदर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि यार वहां पर तो सैमसंग एलजी की तुम्हें बड़ी बड़ी एलसीडी या मॉनिटर्स मिलेंगे। कोई है यहां पर? ओके यार, यहां पर ही मिल सकते हैं, मेरे को मिलने होंगे तो बस यही एक आखिरी मौका है जहां मैं ढूंढ सकता हूं वो पुराने वाले टीवी। बस अब यहां पर कोई मिल जाए। हेलो, कोई है यहां पर? मेरे को चीजें खरीदने यहां पर प्लीज। हेलो, कोई तो हेल्प करिए, कोई तो बोलिए। गाइस यार, यहां कहीं पर स्क्रिप्ट टॉयलेट्स ने हमला तो नहीं कर दिया पहले ही? अरे ये वही लगता है मेरे को, टॉयलेट मॉन्स्टर, इसे मारना ही सही रहेगा। इसको अभी बताता हूं, ये ले, ये मारा इसको। अरे कौन है भाई? अरे पागल है क्या? अरे गाइस यार, ये कौन था? अरे तुम स्क्रिप्ट टॉयलेट हो ना और मुझे टॉयलेट बनाने आए हो ना? अरे नहीं 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 नहीं, गाइस यार ये सभी पागल आदमी था। अबे यार रुक रुक, मेरे को मार मत मार मत। अरे मैं तुम्हें मार डालूंगा। अबे मार मत यार, मैं तेरे को समझाता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट टॉयलेट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर असल में काम से आया हूँ, मैं असल में इंसानियत को बचाना चाहता हूँ, मेरा नाम है टीवी मैन। अच्छा तुम अच्छे आदमी हो क्या? हाँ मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं टॉयलेट मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे कैसी हेल्प, बताओ मेरे को। अरे यार मैं असल में 90s के टीवी ढूंढ रहा हूँ, क्या तेरी शॉप पे यहाँ पर कबाड़ खाने में मतलब 90s के टीवी मिल सकते मुझे? अरे देखने पड़ेंगे, जहाँ तक मुझे याद है कि थोड़े बहुत मेरे को हुए थे डिलीवर। क्या मतलब है तेरे पास? हाँ वो चेक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आ जाओ, चल चल जल्दी सी। अरे भाई साहब मेरे पीछे पीछे आना बिल्कुल, तुमको का ही बताए यार, ये टॉयलेट मॉनिटर जब से हमारी दुनिया में आए हैं जीना हराम कर रखा है, बिक्री भी नहीं होती 2 रुपए की, और कभी कभी तो हमला भी कर देते, इसलिए मैं अपने गैलियो बेसबॉल रखूं, कदम मारने पड़ जाए सालों को। हाँ अरे यार मैंने कहां पर रखे थे वो टीवी, मेरे को तो याद भी नहीं है। अरे भाई यार ऐसे मत कर प्लीज यार, अगर वो मेरे को टीवी नहीं मिले ना तो हम इसके टॉयलेट्स को कभी नहीं हरा पाएंगे। अरे ऐसी बात है तो मेरे को ढूंढ के निकालनी पड़ेंगे, तुम टेंशन ना लो भैया, हम निकाल देंगे। का नाम बताया तुम्हारा? मेरा नाम टीवी मैन है। हाँ टीवी मैन, अच्छा अच्छा यार सुमित बोल लो मेरे को। अरे भैया यार वो कहाँ गए टीवी, मेरे दिमाग में से निकल गए। अरे यहीं तो गिरे थे कहीं पर। अरे ये रे, अरे ये रे ये रे, मैं बोल रहा था ना मैंने रख रखे हैं, मैं थोड़े बादाम कम खाया करूँ ना, इसलिए भूल गया था। ओके भाई सब जल्दी बता दो क्या प्राइजेज इनकी, और यहाँ पर 6 टीवी 6 के 6 ले जाता हूँ। कितने प्राइजेज भाई इनकी? अरे भाई दाम वाम मत दो, बस इन स्क्रिप्ट टॉयलेट को मार डालो, इतना ही चाहूँ मैं तो, मैं अपनी फैमिली तक ना मिल पा रहा इन चक्करों में। पैसे नहीं लोगे? अरे ना भाई साहब फ्री में ले जाओ, बस स्क्रिप्ट टॉयलेट का नामो निशान मिटा दो। ओ भाई साहब शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। तो चलो गाइस यार जल्दी से यहाँ से टीवी लेता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच आपका। जल्दी टीवी उठाते यहाँ से। ओके यार टीवी ले लिया से। अरे भैया ये क्या, तुम्हारे पीछे देखो वो आ गए। कौन आ गया? अरे वही जिनसे मैं बच रहा था, वो आ गए, मैंने मार डालेंगे। ऊका जी क्या? अरे समित भैया तुम फिर से मिल गए, तुम मरे नहीं हो अभी तक। ओ गाइस ये सिंचन वापस टॉयलेट मॉन्स्टर बना दिए गए। अरे समित भी अब कहाँ जाओगे बच के, मैंने सभी को बुला लिया यहाँ पर, थोड़ी देर में बड़े वाले स्क्रिप्ट टॉयलेट्स भी आते होंगे। अरे भाई मैंने बचा ले प्लीज। ओके भाई सब बचने का एक तरीका है, भागना जब मैं बोलूं 1 2 3 भागो, जल्दी भाग मेरे भाई। अरे मर गया। अरे गाइस यार मेरे को भागना पड़ेगा। ओ यार मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ बेचारे को, पर मैं क्या करूँ यार, उसको मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर रहा तो यार स्क्रिप्ट टॉयलेट आके मुझे ही मार डालेंगे, कोई पीछे तो नहीं आ रहा मेरे। यार मुझे माफ करना यार, उस भाई की मैं मदद नहीं कर पाया, उसको भी यार अब टॉयलेट मॉन्स्टर के अंदर चेंज कर देंगे। यार मैं कितना ज्यादा बुरा हूँ टीवी मैन, और ज्यादा नहीं देखा जाता यार, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता। ओए लौंडे तू टेंशन मत ले, टीवी कहाँ है? ले भाई सब टीवी तो मैं लेके आ गया, अब करना क्या है? ओए लोंडे अब तू बगल में जाकर खड़ा हो जा सिर्फ। ओके ठीक है यार मैं बगल में जाके खड़ा हो जाता हूँ। यार मुझे मेरे ऊपर घिन आ रही है यार, मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। ओए देख अब, अरे ये क्या कर दिया भाई साहब, ये क्या चमत्कार कर रहे हो भाई तुम? ओए लोंडे मैं असल में स्क्रिप्ट टॉयलेट्स की ताकत उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओ गाइस यार ये कैसे करोगे तुम? ओए बस तू देखता जा, यो खतरनाक आदमी सब बदल देगा। ओ गाइस ये क्या, ओए ये तो यार एक, अबे ये तो टीवी मैन ही है ना अपने मेरी तरह। अरे हाँ लोंडे टीवी मैन ही है ये। ओ गाइस यार पर ये इतना ज्यादा अजीब क्यों है, और ये इतना ज्यादा काला क्यों है यार? ओए लोंडे इसके अंदर काली शक्तियां हैं। अबे काली शक्तियां, अबे ये अपने खिलाफ हो गया तो? ओए लोंडे तू टेंशन मत ले, ये मेरा कंट्रोल में है, जब तक मैं जिंदा हूँ यो मेरे ही कंट्रोल में रहेगा, तू टेंशन मत ले, जो तू इससे कहेगा वो ही करेगा यो। फिर करना क्या है अब? ओए यो सेमी बहुत ताकतवर है, यो किसी ने भी हरा सके, अब तू जा इसके साथ और बैंड बजा दे स्क्रिप्ट टॉयलेट्स की।
पक्का ना? ओए हाँ पक्का, बिल्कुल बैंड बजा सके, अब तू चला जा आराम से। आ जा भाई साहब मेरे साथ साथ आना। अब भाई साहब मेरे को लगता है मैं बैंड बजा सकता हूँ स्क्रिप्टी टॉयलेट्स की, और उसके पास कितने सारे टीवी है, ओ माय गॉड। पर गाइस यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर बुरी ताकत है, ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, क्या पता ये मेरे ऊपर हमला करे। पर यार टीवी मैन बोल रहा है कि ये इसके कंट्रोल में रहेगा, तो यार मैं इसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ कि ये मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। चलो गाइस यार अब नहीं छोड़ेंगे हम टॉयलेट को। तो गाइस यार अभी मुझे लेटेस्ट खबर ये मिली है कि यहाँ पर स्कूल के अंदर बहुत सारे इंसान, मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां असल में यहाँ सेफली अंदर बंद है स्कूल के अंदर, और यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाले स्क्रिप्टी टॉयलेट्स हमला करने के लिए, जिससे वो सभी इंसानों को स्क्रिप्टी टॉयलेट्स बना सके। और तुम्हारा भाई यहाँ पर पहले आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे भाई को खबर लग चुकी है, बस उनका आने का इंतजार है। ओहो हो गाइस यार यहाँ पर ये लोग आ गए। तू इस बार नहीं बचेगा सुमित, तू इस बार हमारे आगे से हट जाएगा, तू हमारा काटा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में सारे स्क्रिप्टी टॉयलेट्स आएंगे और तुझे मार डालेंगे। हाँ मैं तुम लोगों का ही तो वेट कर रहा हूँ। क्यों तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम सभी के सभी लोग मरने वाले हो। अच्छा तुम हमें मारोगे? हाँ आ जाओ सबसे बड़े खतरनाक टीवी मैन, चेक आउट, देखो ये रहा मेरा सुपर हीरो। गाइस यार अब मेरे को ये नहीं पता इसकी पावर्स क्या है, कहीं पर ये हग ना दे आके यार, कहीं ये बुरी तरह पिट जाए। प्लीज यार भगवान इसके पास खतरनाक वाली पावर्स हो, जिससे इन लोगों की बैंड बजा सके। ये कौन चरमटा है? ये चरमटा नहीं, ये तुम्हारी चरमिटी से निकालने आया है। हम इसे भी मार डालेंगे। हाँ इसको मार डालोगे? चल यार मेरे भाई कमाल करके दिखा, आखिर क्या कमाल करने वाला है तू। इसे मारो, हमला करो। अरे भाई वो मारेंगे, जल्दी कर, कुछ क्या करना है तेरे को। ओए ये क्या? ओ भाई सब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो रहा है, हम हिल नहीं पा रहे। ओ गाइजर ये क्या चक्कर है, ये टॉयलेट मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहे, पर गाइजर मैं तो हिल पा रहा हूँ, और इन लोगों को मैं सबको मार डालूंगा। और गाइजर देख रहे हो ये तो भाई टॉयलेट के अंदर चेंज हो गए, मतलब यार टॉयलेट के पानी के अंदर चेंज हो गए, सभी को मार डाला और ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। ओ माय गॉड ये तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स है यार, इसका मतलब हमें अपना एक सुपर हीरो मिल चुका है। ओ भाई देख रहे हो यार, अब मुझे लगता है कि हमारा पलड़ा भारी है, अब भाई साहब स्क्रिप्टी टॉयलेट्स को कोई नहीं बचा सकता हमसे, क्योंकि यार हमारे पास ये खतरनाक आदमी है, छह मुंह वाला, छह शीशे वाला। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले शावा शावा। फाइनल गाइस यार मुझे लग रहा है कि अब हम इस धरती पे से इस टॉयलेट वायरस को हरा सकते हैं, और यार अपने शिनचैन को वापस ला सकते हैं। मेरे को थोड़ी देर नाचने दो यार, क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूं यार, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि हम लोग जीतने वाले। ओह ये ये ये, अरे गाइस यार ये क्या चक्कर है, वो तो सही है मैं थोड़ी देर के कहीं चला गया था, मैं इनका सेनापति था, मेरी पूरी की पूरी सेना को सुमित भैया ने मार डाला, और ये पता नहीं नया आदमी कौन है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं भी मारा जाता, मुझे जाके बताना पड़ेगा बॉस को कि यहाँ पर इनके पास ज्यादा पावर हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं, मुझे जल्दी जाना होगा। बॉस बॉस बचाओ, यहाँ तो कुछ अलग ही मैटर चल रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। शाबाश लोंडे शाबाश, तूने आज कमाल कर दिया, आई लव यू। आखिर ये बोलता क्यों नहीं है पता नहीं, भाई प्लीज बोल यार कुछ, तूने इतना अच्छा काम किया है। पर यार कुछ भी हो बहुत ज्यादा मजा आ गया यार, अब मुझे आशा की किरण नजर आ रही है। तो गाइस यार अब मैं शिनचैन आ रहा हूँ तेरे को बचाने के लिए, और उन सभी बड़े बड़े टॉयलेट्स को मारने के लिए, क्योंकि हमारे साथ है एक ब्रह्मास्त्र। तो गाइस यार अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का मैं पार्ट 4 लेके आऊं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो पार्ट 4, और वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए हो तो यार से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए सायोनारा। We know how to party.